नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं द एजुकेशनल राज। और आज बहुत खास दिन है, और आज है 1 दिसंबर, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। और एड्स दिवस पूरे विश्व भर में 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि इस दिन लोगों को जो है जानकारी दी जाती है एड्स के बारे में। और आपको पता होगा कि एड्स कितना खतरनाक है डिसीज़, यानी कि रोग है, और इसके बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जागरूकता के लिए 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एड्स दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई और कहाँ हुई और किन लोगों के द्वारा हुई, तथा एड्स के बारे में कुछ जानेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, तथा ये जो है इसके जो है बचाव क्या हैं, और ये कैसे होता है, इस टॉपिक पर बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और अपने मित्रों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक। अगस्त 1987 यानी 1987 में जेम्स डब्ल्यू बुन तथा थॉमस नेटन नामक व्यक्ति ने पहली बार इसे मनाया, और उन्होंने अपने डायरेक्टर से आग्रह किया कि इसे जो है एड्स दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और ये दोनों व्यक्ति यानी कि थॉमस नेटर तथा जेम्स डब्ल्यू बुन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जिनेवा तथा स्विट्जरलैंड में एड्स की जानकारी देने के लिए तथा उसकी रोकथाम के लिए नियुक्त किए गए थे। इन्होंने एड्स के ग्लोबल प्रोग्राम ऑन एड्स के डायरेक्टर जॉनथन मान के सामने यह विचार रखा कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाए। तो डायरेक्टर जॉनथन मान ने 1 दिसंबर 1998 में इसे मनाने के लिए जो है अपना विचार रख दिया, और तभी से 1 दिसंबर को यह एड्स दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 8 सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य हिस्सों में विश्व एड्स दिवस भी शामिल। इसके बाद आइए बात करते हैं कि एड्स होता कैसे है, यानी इसके कारक क्या हैं। पहली बात, एड्स जो है एड्स अनसेफ सेक्स, यानी कि बिना सुरक्षा के सेक्स करने से एड्स हो जाता है। दूसरी बात, संक्रमित खून चढ़ाने से, यानी कि अगर संक्रमित खून है और दूसरे को चढ़ा दिया जाता है उसको, तो इससे एड्स हो जाता है। तीसरी बात, पॉजिटिव महिला के बच्चे में एक बार प्रयोग की गई सुई को दूसरी बार प्रयोग करने से एड्स हो जाता है। चौथी बात, अनफेक्टेड ब्लड यूज करने से। और इसके लक्षण क्या हैं, आइए इसके लक्षण पर बात करते हैं कि इनके किन लक्षणों से आपको पता चल सकता है कि आपको एड्स होने का खतरा है। तो आइए देखते हैं। पहला बुखार, अगर आपको बार बार बुखार आता जाता रहता है, चढ़ता है उतरता है और आराम नहीं होता है, तो आपको एड्स का चेकअप कराना चाहिए। दूसरी बात, आपको बार बार पसीना आता है, अगर आपको ज़्यादा पसीना आता है तब भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तीसरी बात, आपको ठंड लगना, यानी बार बार आपको ठंड लगना भी इसकी शिकायत हो सकता है। और अगर आपको बार बार थकान आता है तो आपका जो है शरीर चेकअप कराना चाहिए। आपको भूख कम लगना, जी हाँ, अगर आपको भूख कम लगता है तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। वज़न का घटना, अगर आपका वज़न लगातार घट रहा है तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। उल्टी, बार बार दस्त यानी उल्टी होना, गले में खराश, यानी अगर आपका गला सही नहीं रहता, खराश बार बार रहता है, तब भी आपको एक बार जो है डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बार बार दस्त होना, यानी पेट सही नहीं होना, मतलब बार बार अगर दस्त होता है तब भी आपको जो है इसकी जानकारी करनी चाहिए। खांसी आना, अगर आपको बार बार खांसी आती है तब भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। शरीर
पर बा चकत्ते हो जाना, शरीर पर जगह जगह जो है कुछ अजीब प्रकार के चकत्ते यानी कि निशान पड़ जाते हैं, तब भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सांस लेने में समस्या, अगर आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है तब भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और लास्ट स्किन प्रॉब्लम, अगर आपके स्किन पर प्रॉब्लम हो रही है तब भी आपको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिसे मैंने शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देना। आपको एक जानकारी और बता देना चाहते हैं कि UNICEF की रिपोर्ट के मुताबिक 36.9 करोड़ लोग एड्स से पीड़ित हो चुके हैं और इंडिया में इसकी संख्या 2.1 मिलियन लोग इंडिया में हो चुके हैं भैया। तो इस खतरनाक बीमारी को रोकना चाहिए और लोगों को इसकी जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि लोगों को जानकारी हो सके और यह खतरनाक रोग कम से कम लोगों तक फैल सके। अखबार में निकले इस रिपोर्ट को देखते हैं। भारत में 1.20 लाख बच्चे HIV से पीड़ित हैं। यहाँ फिर देखते हैं आगे चल के, संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2017 तक करीब 1.20 लाख बच्चे किशोर HIV संक्रमण से पीड़ित रहे हैं। ये रिपोर्ट में देखिए 1.20 लाख बच्चे जो है यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक। आगे देखते हैं रिपोर्ट में, यूनिसेफ रिपोर्ट चिल्ड्रन HIV और एड्स द वर्ल्ड इन 2030 के मुताबिक पाक में 5800, नेपाल में 1600 और बांग्लादेश में 1000 से कम लोग HIV शिकार हो चुके हैं। आगे देखते हैं, यूनिसेफ ने चेताया है कि अगर इसे रोकने की कोशिशें तेज नहीं हुई तो 2030 तक दुनिया में हर दिन एड्स की वजह से 80 बच्चे मर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में इस पर काम किया जा रहा है। तो हमें अपने फैमिली में सभी को इस बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए तथा इसकी रोकथाम की व्यवस्था ज़रूर अपनानी चाहिए। धन्यवाद।